तो गाइज वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। और आज हम जा रहे हैं वृंदावन। आप सब भी सोचो गाइज हर ब्लॉग में वृंदावन पहुंच जाते हैं, पर क्या करो गाइज, हम कृष्ण जी के इतने भक्त हैं। पर बुआ फर्स्ट टाइम जा रही है। फर्स्ट टाइम। और अभी हमने सोचा कि 6 बजे निकले, पर कोई उठा नहीं, रात में 2 बजे सोए थे क्योंकि आज मम्मी पापा की एनिवर्सरी भी है। अभी 10 बजे हम निकल रहे हैं, हम पहुँचेंगे कम से कम वृंदावन यहाँ से 170 किलोमीटर दूर है, तो हम शायद 2 बजे पहुँचेंगे। एनिवर्सरी मम्मी इतनी सुंदर लग रही है, ये और वो गाड़ी खड़ी कर दी, पापा आ रहे हैं। चलो तेज है, मैं इसको कह रही हूँ कि ना हट जा, जैसे मैं तो कोल्ड ड्रिंक ले ले, फिर मैं बैठ जाऊँगी आगे। नहीं, 3 hours later पे हम CNG भरवाने के लिए रुके हुए हैं, और 3 घंटे से ड्राइव कर करके सर में इतना ज़्यादा दर्द हो गया, थक गए, और समय इतना ज़्यादा हुआ है ना, आगे ठूसा बड़ा निकलने लगा, मेरे को बैठने नहीं दे रहा, टिका पड़ा इतना चिपका हुआ है फिर से चुंगम की तरह। अब मैं बैठूंगी, भूआ बोलो इसको यार, देखते सही चप्पल भी नहीं खोली, उतार दी इतना नकटा ही है, कितना नकटा ही है। 1 hour later ये सब इतना सुंदर मेकअप करके आए थे, सारा मेकअप उतर गया देखो, आय हाय। और अभी आए हैं असली पप्पू ढाबा। ओए असली पप्पू है तो नकली पप्पू का है, हमारा तो नेचुरल मुंह है, हमको तो कोई मेकअप की जरूरत नहीं पड़ती, और तुम लगाते हो 1-2 घंटे। पंजाब दे मजे। बड़ा मस्त है यार ये, जिसको आपको घाट पे खाना है घाट पे खा सकते हो, जिसको टेबल से खाना है। पापा कहाँ गए? अरे 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 उतरी सन्ना कहाँ गया? वॉशरूम में। छोटा सा कॉफी कैफे, ये कैफे है क्या? ये मस्त है, बना लिया है, मंगवा भी लिया है, और अभी कढ़ाई पनीर, तंदूरी रोटी और दाल और दही। अभी ये फ्राइड राइस बनाने वाले हैं समीर के लिए। अभी बुआ ने मेरे को दिलाया है मार्शमेलो, ये वाला हर्ट वाला, इसमें एक हर्ट वाला और एक ये था, पर मुझे ज़्यादा हर्ट वाला पसंद है तो मैं हर्ट वाला लूँगी। ये और अभी भी उसी पे ही रेस्टोरेंट पर रुके हुए हैं। तो मैं डांस करूँ? ओ ये खोलने, इसको टेस्ट करके देखते, च्युइंगम थोड़ी ना होती है, सटक जाते हैं इसको, ऐसे थोड़ा च्युइंग च्युइंग से लगता है, फिर आराम से सटक जाते हैं। गद्दारी कर पे तुम्हारी गाय से बताओ कौन तभी बोल रहा है गद्दारी कर पे। ट्राई करो, मस्त है। 1 hour later तो फाइनली अब परिक्रमा करना चालू करने वाले हैं, रिक्शे में बैठ के, और गाड़ी हमने अपनी लगा दी है पीछे, बंदरों को खिला रहे गाय अभी। ओ गाइस देखो कितना छोटा सा है वो, एक समीर को बुलाना, कितना डरपोक है। ए खा उसको पहले, बदतमीज डंगर। आई बनी इसको मैं फेंक दूंगा। सबसे ज्यादा पंडित तरफ से कितने ले ले? 2.5 किलो 50। अरे अभी जाके दो यार, 50 किसी दीम धरन से मतलब ही नहीं, अलग ही लग रहा है अपना। सही है, सब जगह से पता होना चाहिए।
पे आए हैं भगवान के और वहाँ पे पूजा करके अब सीधे यहाँ से वृंदावन जाएंगे। ये गोवर्धन जैसे श्री कृष्ण जी ने जो उठाया था उसका एक स्टैचू टाइप में बना रखा है। तो गाइज बाकी बिहारी जी पहुँच चुके हैं, अब यहाँ से रिक्शा करके उसके बाद जाएंगे। मल्टी लेवल में पार्किंग कर दी है, पापा पार्किंग करके गए हैं, अब यहाँ से रिक्शा लेकर फिर उस साइड जाएंगे, फिर आगे चल के आपको बताते हैं। मंदिर भाई कितना सुंदर लगता है। सबके दर्शन कर लिया और अभी हम जा रहे हैं यहाँ से घर। बस जो ये मेरा वृंदावन है यहाँ पे सब फोटो क्लिक कर रहे हैं, मम्मी और पापा, और वो अभी अंधेरा बहुत हो रहा है, दिखाई नहीं दे रहा। One hour later. तो गाइस अभी इस रॉयल किंग पे डिनर के लिए आए हैं और अब इतना चलते हैं। क्या समझ जा, अब अंदर जाते हैं अपन खाना खाने, और यहाँ पे बहुत सुंदर है। अरे A few inches later. खाना खा लिया है फुल और हम जा रहे हैं यहाँ से घर क्योंकि बहुत ज्यादा थक गए हैं। खाना खाया और अभी फोन चार्ज कर रहे हैं अभी, क्योंकि फोन डेड हो चुका है। मेरा फोन बिल्कुल फुल चार्ज हो चुका है, मैं तो 12 पे लगा था, 95 हो चुका है अभी। पापा का लगा रखा है, 40% हुआ है पापा के फोन। इतना बड़ा फैन मुझे बुआ पता है, ऐसा सेम फैन हमने खाटू श्याम में देखा था और अभी यहाँ देखने को मिल रहा है। सो गाइस मैं इस ब्लॉग को करती हूँ एंड, क्योंकि अब मैं बहुत थक गई हूँ, अब मैं सीधा घर जाना चाहती हूँ, मेरे सर में इतना दर्द हो रहा है। वो अब चलो घर चलेंगे। और अब पता है ये सब भी सोचते हैं जो मेरी वीडियोस देखे, वो सब भी सोचते हैं कि हर बार वृंदावन का ब्लॉग बनाने चली जाती है। मैं क्या करूँ, मेरे को पसंद है वृंदावन जाना। मैं तो पहली बार, हाँ बुआ पहली बार गई थी, फिर से मैंने बुआ के कहने पे स्पेशली ब्लॉग बनाया कि बुआ का फर्स्ट। आपको कैसे लगा वृंदावन, आप बताओ मुझे। अब बताओ जेन्युइन रिव्यू, कैसा लगा आपको वृंदावन जाना? अच्छा लगा। सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगा आपको? बाग्य बिहारी, इस्कॉन टेम्पल, कौन टेम्पल में बुआ ने बहुत डांस भी तगड़ा करा था। लास्ट में डालूंगी बुआ के डांस की क्लिप, देखना जरूर। तो गाइस अब इस करते हैं, बाय बाय, आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी कहाँ कर रहा हूँ बाय बाय, अभी नहीं हो रहा, अभी तो दिल्ली भी जाएंगे, अभी तक यूपी में ही है, अभी तो टाइम लगेगा, पहुँच जाएंगे। अब अगला ब्लॉग देखती हूँ मैं कब बनाती हूँ, क्योंकि मेरे मूड पर डिपेंड है, जब मेरा मन करता है मैं तभी ब्लॉग बनाती, वरना मैं ऐसे ब्लॉग नहीं बनाती। तो देखते हैं क्या होता है। बाय।